तो गुरुग्राम, जहां पर अगर 2-3 दिन पहले तक की बात करें तो 1,000 के पार नए मामलों का आंकड़ा रोजाना सामने आ रहा था ना, कि अब ये आंकड़ा गिरा जरूर है, 600 के आसपास नए मामले बीते 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन अब भी हरियाणा में सर्वाधिक मामले गुरुग्राम से ही सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले तक की बात करें तो गुरुग्राम में जो कोरोना के नए मामले आने का आंकड़ा था वो लगभग 1,000 के पार था। अब मामले कम जरूर हुए हैं, लगभग आधे तक ये आंकड़ा पहुंचा है, लेकिन हरियाणा में सर्वाधिक आंकड़ा भी गुरुग्राम से ही सामने आ रहा है। एग्जाम्पल देखें तो एक ऐसा वक्त भी रहा है जब हमारे पास 5,000 से ज्यादा केसेस आए थे, जी और एक ऐसा टाइम रहा जब ये 3 से 3,500 के बीच में काफी टाइम तक की एक स्टेबिलिटी जिसको कहूँ वो बनी रही, जी और वो पीक खत्म होने के बाद 1,000 के आसपास 1,500 के बीच में भी केस रहे। लेकिन पिछले 2 दिनों से और आज भी संभवतः 500 के आसपास ही केस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जी एक डेफिनेटली स्टेबिलिटी के बाद डिक्लाइन की तरफ जो पीक है वो जा रही है। और क्योंकि मैक्सिमम केसेस गुरुग्राम में थे, पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा गुड़गांव की है हरियाणा में, तो संभावित है ही कि सबसे ज्यादा कोविड केसेस यहीं आने थे। लेकिन जैसा आप शायद बीच में जिक्र कर रहे थे तो मैं भी आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर पिछले 7 दिनों में आप आंकड़ा देखें तो जब 5-5 हजार केस, 4-4 हजार केस हमारे आ रहे थे, तो जी अब वो 14 से 15 दिन के लैग के बाद अगर जब हम उनको डिस्चार्ज भी देखते हैं तो वो भी आपने देखा होगा कि पिछले 7 दिनों में गुड़गांव में ऑलमोस्ट 21 या 22 हजार के करीब जो है हमने पेशेंट रिकवर भी डिक्लेयर किए। तो जहाँ 30 हजार से अधिक हमारे पास एक्टिव केसेस थे पिछले, अगर मैं शनिवार की बात करूं, तो आज हमारे पास 10 हजार से भी कम एक्टिव केसेस हैं, अगर आज शाम तक का मैं अगर या अभी तक का मैं डेटा डिक्लेयर करना चाहूँ। जी डॉक्टर साहब, अगर व्यवस्थाओं को लेकर बात करें, व्यवस्थाओं पर क्या कुछ अपडेट है, वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या कुछ जानकारी? वैक्सीनेशन में गुड़गांव अभी तक सबसे आगे चल रहा है। अगर बात करूं एग्जैक्ट वैक्सीनेशन की, तो हमने 6,20,000 तक वैक्सीनेशन कल तक हम कर चुके थे, और 18 से 44 की भी वैक्सीनेशन अब चल रही है। लेकिन आज 18 से 44 की वैक्सीन अवेलेबल देर शाम तक हो पाएगी, तो 18 से 44 की वैक्सीनेशन कल से दोबारा आरंभ की जाएगी। आज 18 से 44 की वैक्सीनेशन नहीं हो रही गुड़गांव में, 45+ की आज हमने वैक्सीनेशन सभी जगह हम कर रहे हैं, और फर्स्ट डोज भी आज हमने शुरू की है, जी क्योंकि सेकेंड डोज के टाइम पीरियड बदल दिए गए थे। जैसा आपको मालूम है कि 12 से 16 वीक्स कर दिए गए थे, इसलिए सेकेंड डोज के कैंडिडेट्स या मैं कहूँ व्यक्तियों की जरूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए आज हमने 45+ की जो है वैक्सीनेशन सारे गुड़गांव में 37 जगहों पर और एक ड्राइव थ्रू में ओपन की है, जहाँ आज तकरीबन हम 5,000 लोगों को 45+ की फर्स्ट डोज की वैक्सीन देने जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के साथ साथ एक बड़ी चुनौती जो खड़ी हुई है देश भर के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी, वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के मामले भी गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और क्योंकि सरकार की तरफ से ब्लैक फंगस को देखते हुए विनियम 2021 लागू कर दिया गया था, और अब ये सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी, ये आदेश थे कि जो डॉक्टर्स हैं अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो सीधे सीएमओ को रिपोर्ट करेंगे। कुछ इस तरह की खबरें भी सामने आ रही कि थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है डॉक्टर्स और जो आला अधिकारी हैं उनके बीच। बिल्कुल, ब्लैक फंगस के केसेस जो हैं वो आने शुरू हुए हैं, और आपको मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा 16 मई को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह ट्वीट भी किया था, और उसी दिन हमने इसको नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर भी कर दिया था, ऑफिशियली नोटिस भी सर्व कर दिया गया था। साथ के साथ 19 मई को एक इसके साथ एक और चीज भी जोड़ी गई थी, जिसमें स्टीरॉयड यूज की वजह से आपको याद होगा कि ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं, तो 19 को हमने एक ये नोटिफिकेशन भी जारी किया है सभी केमिस्ट्री या ड्रग स्टोर्स को कि आपको जो स्टीरॉयड की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप स्टीरॉयड आप सेल नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। एक सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, वो एक स्टेट लेवल पर कमेटी बना दी गई है जहां ये सारे केसेस रिपोर्ट करते हैं, और कल शाम तक की मगर आपको सूचना देना चाहूं तो गुड़गांव में 156 केस जो हैं और पूरे हरियाणा के 340 के करीब जो हैं ब्लैक फंगस के केस जो है वो रिपोर्ट अपलोड किए गए हैं। ये कोऑर्डिनेशन नहीं, एक डायनेमिक डेटा है, क्योंकि केसेस जो जो आते जाएंगे लोग अपलोड करते हैं रिपोर्ट करते जा रहे हैं, इसलिए डेटा में डेली वेरिएशन आती है, क्योंकि कुछ लोग सुबह अपना एंटर करते हैं पोर्टल पर अपलोड करते हैं, कोई दोपहर तक करते हैं, तो एक फिक्स टाइमिंग कहना मुश्किल होता है डेटा के डायनेमिसिटी की होने की वजह से। जहां तक सवाल ये है कि
इसकी मेडिसिन के लिए अवेलेबिलिटी, उसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। सभी अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इस एक मेल दे दी गई है एम्फोटेरिसिन से रिलेटेड, वो वहां पर मेल करनी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनता को बताना चाहूंगा कि इन पर्सन यानी इंडिविजुअल को अप्लाई नहीं करना है। आप जिस अस्पताल में भी भर्ती हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है और उन्हीं को ये दिशा निर्देश है कि वो इस मेल पर डिमांड मांगे इस ड्रग की, और तब ये चंडीगढ़ से जो कमेटी बनी गई वो अप्रूव करती है आपको एम्फोटेरिसिन की, और वो एम्फोटेरिसिन अस्पताल को एक नॉमिनल जो सरकार की तरफ से अमाउंट फिक्स किया गया है वो अस्पताल ही उसको जमा कराकर ले सकता है। इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस ड्रग के अपने साइड इफेक्ट है, टॉक्सिसिटी है, तो ये अस्पताल में ही एडमिनिस्टर की जाने वाली दवा है और अस्पताल को ही लेनी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा दवाइयों को लेकर ये भी है, क्या गुरुग्राम में जीवन रक्षक दवाओं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ ब्लैक फंगस के मरीजों को दी जाने वाली दवा क्या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो किसी तरह का दवाइयों का क्राइसिस जिले में ना हो? देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा तीन चीजों का मान में बार बार मुद्दा उठता रहा। पहले ऑक्सीजन की बात रही थी, ऑक्सीजन का आज तक अब आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कोई ऐसा इश्यू नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो इसको देख रही है इस पार्ट को, वो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। दूसरा नंबर आता है रेमडेसिविर का, जो एक मेडिसिन रेमडेसिविर आज हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आज की डेट में भी हमारे पास 4000 से ज्यादा रेमडेसिविर के डोजेज उपलब्ध हैं। अगर कोई भी चाहे उसकी भी प्रक्रिया जैसे है स्टेट से कमेटी से अप्रूव होकर ली जा सकती है। टोसिलिज़ुमैब दूसरी ऐसी ड्रग है जो दी जा रही थी। टोसी की भी अगर मैं कहूँ तो हमारे पास इस वक्त ही मोर देन 125 के आसपास वायल्स मौजूद है, वो भी हम लोगों को एज अप्रूव करने के बाद दे सकते हैं। अभी ब्लैक फंगस का जो इश्यू आना शुरू हुआ है उसकी शुरुआत है, इसके लिए अभी एम्फोटेरिसिन भी अवेलेबल है। लाइपोसोमल का इंतजाम किया जा रहा है, बहुत जल्दी लाइपोसोमल के भी जहां तक सूचना मिली है केंद्र सरकार ने लाइपोसोमल हरियाणा को भी अलॉट कर दी गई है, तो हो सकता है आज या कल में इसकी भी अलॉटमेंट लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की भी स्टार्ट हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा अस्पतालों को लेकर है। निजी अस्पतालों में इस तरह के मामले रिपोर्ट किए गए हैं कि कोरोना मरीजों, उनके परिजनों और तीमारदारों से ओवरचार्ज किया जा रहा है, मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए थे और ये कहा गया था कि ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी अगर इस तरह के मामले सामने आए। हालांकि इस तरह के मामले अब पब्लिक डोमेन में तो नहीं आ रहे, लेकिन देखिए अगर पंचकूला की अगर बात की जाए, खुद विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जो विधायक भी हैं पंचकूला के, उन्होंने जब अपने स्तर पर जाँच की तो ये पाया कि निजी अस्पताल कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पैसे वसूल रहे हैं। उसको लेकर चिट्ठी सरकार को लिखी, मुख्यमंत्री को लिखी, स्वास्थ्य मंत्री को लिखी, तब जाकर उस पर संज्ञान लिया गया। क्या प्रशासनिक तौर पर आप यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस तरह अस्पतालों में अब लोगों से, मरीजों से ओवरचार्ज नहीं किया जा रहा है? कैसी स्थिति है फिलहाल? बिल्कुल, ओवरचार्ज की शिकायतें बार बार आती हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करूंगा। दो किस्म की कैटेगरी हरियाणा सरकार ने पहले से निर्धारित की थी, उनके चार्ज कैपिंग की हुई थी, एक एनएबीएस हॉस्पिटल, एक नॉन एनएबीएस हॉस्पिटल। और एक मैं आपको यहाँ एक रफ आइडिया अगर मैं बात करूँ जो की ऑलमोस्ट एक्यूरेट है, नॉन एनएबीएस हॉस्पिटल में 8,000, 10,000 और 12,000 का जो कैप लगा हुआ था, यानी सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर का। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ एनएबीएस हॉस्पिटल यानी जो अब बड़े हॉस्पिटल है या जिनको क्वालिटी का सर्टिफिकेट मिला हुआ, उनका 10,000, 13,000 और 15,000 के ये जो कैपिंग है एग्जैक्ट, ये हमने नोटिफिकेशन पिछले जून 2020 में ही निकाल दिया था इस कैपिंग को लेकर। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, अगर कोई इससे ज्यादा ओवर चार्ज करता है, क्योंकि उसमें कुछ चीजें एक्सक्लूसिव हैं नोटिफिकेशन में, उसमें अगर उसके अलावा मेडिसिन के अलावा कोई ओवर चार्ज करता है तो आप हमें भी शिकायत कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पुलिस महकमे में भी शिकायत कर सकते हैं। और अगर पुलिस महकमे के थ्रू या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू आप शिकायत करते हैं ओवर चार्जिंग होता है, तो हम कैपिंग के साथ उसी वक्त आपको बताकर हम आपको बता सकते हैं कि ओवर चार्जिंग है या नहीं है। अभी तक मैं आपसे बड़ी ईमानदारी की बात बताऊं, हमारे पास सिर्फ एक ही ओवर चार्जिंग की शिकायत आई है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र यादव।